आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है, स्केयर रूट एक्स माइनस स्केयर रूट एक्स। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 131 पे हमारे पास टेबल ऑफ इंटीग्रल हैं, ये आपको ज़ुबानी याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्केयर रूट एक्स माइनस ई की स्केयर रूट एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि ई एक्स का डेरिवेटिव भी हमारे पास ई एक्स होता है और इसकी इंटीग्रेशन भी हमारे पास ई एक्स होती है। क्यों इंटीग्रेशन लेते वक्त तो इसका डेरिवेटिव आगे वन मौजूद होता है, इसलिए हम डायरेक्ट ई एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर ई की पावर माइनस स्केयर रूट एक्स है, आप इसका डेरिवेटिव आगे बना सकते हैं। इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है स्केयर रूट एक्स का डेरिवेटिव, अगर आप लें स्केयर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्केयर रूट एक्स। अब यहाँ पे स्केयर रूट एक्स है तो हमने 1/2 स्केयर रूट एक्स बनाना है, यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट फॉर्म हो जाएगी। इसको इजीएस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो ये चीज़ है ऊपर वाली इसको लेट कर लेते हैं जी, स्केयर रूट एक्स को हम पुट कर लेते हैं इक्वेलेंट टू जी। अब हमने क्या करना है, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स की पावर 1/2 है, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, 1/2 में से माइनस वन करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे एक्स का तो डी एक्स आ जाएगा, फिर इक्वेलेंट टू जी का डेरिवेटिव लेंगे तो डी जी आ जाएगा। 1/2 में से माइनस वन किया तो एक्स की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे, एक्स की पावर 1/2, 1/2 को स्केयर रूट लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स इक्वेलेंट टू डी जी आ जाएगा। अब ये 2 स्केयर रूट एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी एक्स इक्वेलेंट टू आ जाएगा 2 स्केयर रूट एक्स डी जी। स्केयर रूट एक्स को हमने जी लेट किया था तो हम कह देते हैं डी एक्स इक्वेलेंट टू है 2 जी डी जी के। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह जी आ जाएगा, इसकी जगह ई की पावर माइनस जी आ जाएगा, इसकी जगह 2 जी डी जी आ जाएगा। इंटीग्रेशन जी ई की पावर माइनस जी इंटू 2z dz, डी एक्स की जगह मैंने 2z dz पुट कर दिया है, ई की पावर माइनस जी और इसकी जगह मैंने z पुट कर दिया है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, z को z से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है z स्क्वायर, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस जी इंटू डी जी। अब ये हमारे पास 2 जो हैं वो वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि यू डॉट वी वाला आपने फार्मूला लगाना है। अगर आपके पास यू डॉट वी हो और आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी हो तो हम क्या करते हैं, यू की वैल्यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, इस तरह आप ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे जी स्क्वायर सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाती है, एक्स स्क्वायर आ जाता है, एक्स आ जाता है, ऐसी वैल्यू जिसका आप डेरिवेटिव लेते जाएं और वो ख़त्म होती जाए तो उसे हम यू ले लेते हैं। जी स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लेंगे 2z आ जाएगा, फिर 2z का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आ जाएगा, फिर 2z का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाएगा, फिर 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो जो वैल्यू आपके पास ख़त्म हो उसे आपने यू लेना होता है और इसे आप वी ले लेंगे। अब हम इसमें पुट करेंगे यू की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, यू की वैल्यू आपके पास 2 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, जी स्क्वायर ई की पावर है माइनस जी, नीचे इसके साथ माइनस है तो माइनस 1 आ जाएगा,
माइनस इंटीग्रेशन, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है तो आ जाएगा 2z, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस जी, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस जी ओवर माइनस वन डी जी। अब ये वाला 2 एज इट इज़, ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस 2 जी स्क्वायर e की पावर माइनस जी, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके आपके पास प्लस बन जाएगा, ये वाला 2 बाहर आएगा 2 इंटीग्रेशन जी ऑफ माइनस जी डी जी आपके पास आ जाएगा। अब माइनस 2 जी स्क्वायर ई की पावर माइनस जी, 2 और 2 आपके पास 4 आ जाएगा। अब फिर आपने इसे यू ले लेना है, इसे वी ले लेना है, तो यू की वैल्यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो ई की पावर माइनस जी ओवर माइनस वन आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है वन आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है ई की पावर माइनस जी ओवर माइनस वन डी जी। माइनस टू जी स्क्वायर ई की पावर माइनस जी, जब आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, माइनस 4 जी ई की पावर माइनस जी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस जी डी जी आ जाएगा आपके पास। अब माइनस 2 जी स्क्वायर ई की पावर माइनस जी माइनस 4 जी ई की पावर माइनस जी प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस जी ओवर माइनस वन नीचे, तो माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस सी। अब अगर इसमें से आपने कॉमन निकालना है 2 तो कॉमन निकाल लें, अगर आपने नहीं कॉमन निकालना तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। z की वैल्यू हमने लेट की थी यहाँ पे, अगर क्वेश्चन के स्टार्ट पे आप आ जाएं, z को लेट किया था स्क्वायर रूट एक्स, अगर आप दोनों तरफ स्केयर ले लें तो जी स्केयर आपके पास आ जाएगा एक्स का स्केयर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा तो जी स्केयर आपके पास एक्स आ जाएगा, यानी कि जी की जगह हम स्केयर रूट एक्स पुट करेंगे और जी स्केयर की जगह आप एक्स पुट करेंगे। यहाँ पे नीचे आते हैं माइनस 2 इसकी जगह एक्स आ जाएगा ई की पावर माइनस स्केयर रूट एक्स, माइनस 4 जी की जगह आ जाएगा स्केयर रूट एक्स ई की पावर माइनस स्केयर रूट एक्स माइनस 4 ई की पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस स्केयर रूट एक्स प्लस सी, और आप मैच कर लें पीछे यही आपके पास आंसर है। उन्होंने माइनस 2 कॉमन निकाला हुआ है, अगर आपने निकाल लें नहीं तो आंसर आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस स्केयर रूट एक्स, माइनस कॉमन निकाल लिया यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 2 टू ज़र 4 होता है 2, स्केयर रूट एक्स ई की पावर माइनस स्केयर रूट एक्स एज इट इज़ आ गया, ये वाला माइनस बाहर आ गया, 2 टू ज़र 4 2 आ गया ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्स फाइव ई एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब अगर आप देखें तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 3 स्टार्ट में और एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाती है। तो हम अगर इसको लिख लेते हैं ई एक्स की क्यूब इंटू एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज़ लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं एक्स की क्यूब को लेट कर लेते हैं, क्या जी या जो भी आपने टी लेट करना है, एक्स की क्यूब को लेट कर लेते हैं इक्वेलेंट टू जी के। अब डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वेलेंट टू डी जी, एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास है 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आपके पास आ जाएगा डी जी बाय 3। अब हमने क्या करना है, एक्स क्यूब की जगह हम लोग पुट करेंगे जी, इसकी जगह हम ई की जी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ जाएगा डी जी बाय 3, 1/3 बाहर कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन जी ई की जी डी जी आ जाएगा। अब हमने इस पे जो है यू डॉट वी का फॉर्मूला लगा देना है, इसे यू लेंगे इसे वी लेंगे, 1/3 आपके पास बाहर रहेगा, जी की वैल्यू एज इट इज़,
ई जी की इंटीग्रेशन ई जी आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन जी का डेरिवेटिव लेना है वन आ जाएगा, ई जी की इंटीग्रेशन ई जी ही आ जाएगी डी जी। अब वन बाई थ्री जी ई की पावर जी माइनस ई जी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे ई जी आ जाएगा, ई जी की आप इंटीग्रेशन लेंगे ई जी ही आ जाएगा प्लस सी। जी की वैल्यू पुट कर दें, जी की वैल्यू हमने क्या ऐड की थी एक्स की क्यूब, तो आ जाएगा वन बाई थ्री एक्स क्यूब ई की एक्स क्यूब, फिर वन बाई थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाई थ्री, इस ई की पावर ये और जी आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे एक्स क्यूब देखें, एक्स क्यूब का पहला डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर, फिर थ्री टू ज़ार दूसरा डेरिवेटिव सिक्स एक्स आ जाएगा, फिर सिक्स आ जाएगा और सिक्स का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव लेते जाएँ तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, यू फंक्शन ले लेंगे, इसे वी फंक्शन ले लेंगे। लिखते हैं एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ ई की टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स की क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ ई की टू एक्स डी एक्स, एक्स की क्यूब एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई की टू एक्स ओवर टू, सॉरी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर, थ्री आ जाएगा स्टार्ट में, थ्री में से माइनस वन करें तो टू आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी ई की टू एक्स बाई टू डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्यूब ई की टू एक्स बाई टू बाहर, माइनस ये वाला थ्री बाहर आ जाएगा, ये वाला टू भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ई की टू एक्स डी एक्स, एक्स की क्यूब ई की टू एक्स बाई टू एज इट इज़ माइनस थ्री बाई टू भी एज इट इज़, इसे आपने यू फंक्शन ले लेना है, इसे वी फंक्शन ले लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स होगा, फिर एक्स होगा और यह ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जिस वैल्यू का डेरिवेटिव हम लें और वो वैल्यू ज़ीरो पे आ जाए किसी ना किसी वैल्यू पे आके, उसे हम यू लेते हैं। अब एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो आ जाएगी ई की टू एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की टू एक्स बाई टू डी एक्स, ये ब्रैकेट आपके पास नहीं आएगी, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स की क्यूब ई की टू एक्स बाई टू माइनस थ्री बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर ई की टू एक्स, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू और इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स ई की टू एक्स डी एक्स। अब फिर इसको हम यू फंक्शन ले लेंगे, इसको वी लेंगे, एक्स की क्यूब ई की टू एक्स बाई टू माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर ई की टू एक्स बाई फोर प्लस थ्री बाई टू एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की टू एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन ई की टू एक्स बाई टू डी एक्स आ जाएगी। पहली वाली सारी टर्म एज इट इज़ प्लस थ्री बाई टू, थ्री को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स ई की टू एक्स, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फोर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री बाई टू, सॉरी प्लस माइनस माइनस आएगा, इंटीग्रेशन ई की टू एक्स बाय इस टू को बाहर लिख लें तो ये फोर हो जाएगा डी एक्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स की क्यूब ई की टू एक्स बाय टू माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर ई की टू एक्स बाय फोर, फिर प्लस थ्री एक्स ई की टू एक्स बाय फोर माइनस थ्री बाई फोर, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी ई की टू एक्स बाई टू डी एक्स, सारा आंसर आपके पास यही आएगा, माइनस थ्री को इसमें मल्टीप्लाई करें ई की टू एक्स, फोर टू ज़ार नीचे एट प्लस सी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर तो आपने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, किस तरह एलसीएम ले लें, इस सारी वैल्यू को एट से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी ई टू एक्स कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी ई टू एक्स कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी ई टू एक्स कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी, और नीचे एट है, तो हम
इस वैल्यू को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम बाहर इन सब में से e की पावर 2x कॉमन ले रहे हैं और नीचे 8 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 थ्री ज़ार 6, ये वाला एक्स स्क्र ई टू एक्स बाहर आ गया। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 थ्री ज़ार 6 आ जाएगा, ये वाला एक्स आ जाएगा, ये वाला ई टू एक्स हमारे पास यहाँ पे बाहर आ गया। फिर माइनस ये 4 टू ज़ार 8 ही हो गया था, 8 8 से कैंसिल हो गया, ई टू एक्स ये वाला बाहर आ गया, अकेला 3 आ जाएगा प्लस सी। और यही पीछे जो है बुक के वो ये आंसर है आपके पास, इसलिए मैंने आपके पास ये आंसर निकाल दिया ताकि आप ये ना कहें कि जी हमारा तो आंसर ही रोंग आया है, ठीक है। पीछे बुक के ये आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21 है, शो डैट एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स जिसके इक्वेलेंट है, और अवेलुएट करना है आपने एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स। फिर सेम क्वेश्चन नंबर 2 को अवेलुएट करना है, 23 है, 24 और 25 ये सारे तकरीबन सेम है हमारे पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। मेन हमारे पास एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स है। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी इनवर्स आ जाता है, इनवर्स आ जाता है या एलएन आ जाता है, आपने फौरी तौर पे इसको यू ले लेना होता है और इसको वी ले लेना होता है। अब यू की वैल्यू आपके पास आएगी टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स आपके पास एज इट इज़ आएगा, ये आ जाएगा, इसकी पावर में प्लस वन कर देंगे, नीचे भी प्लस वन कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ये देखें एक्स एन की इंटीग्रेशन होती है, एन में प्लस वन कर देते हैं, नीचे प्लस वन कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये टेन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन होती है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। पर हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसके उल्ट होगा, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हम वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन टेन इनवर्स एक्स माइनस ये बाहर आ जाएगा वन ओवर एन प्लस वन इंटू इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा एक्स एन प्लस वन, नीचे आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर आप बुक पे आते हैं, बुक के क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे देखें आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी, एक्स एन प्लस वन टेन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर, यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, ये हमारे पास आ गई है। अब वो आपसे कह रहा है अवेलुएट करें एक्स क्यूब कि एन की जगह अगर थ्री होता है तो फिर, तो हमने क्या करना है, जस्ट इसी फॉर्मूले में, हमने कहीं और नहीं जाना, इसी फॉर्मूले में हमने एन की जगह थ्री पुट कर देना है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ थ्री पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह थ्री है ना, तो यहाँ थ्री पुट कर देंगे। अब यहाँ पर एक्स की थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन टेन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर थ्री प्लस वन एन की जगह यानी कि थ्री कर देना है, इंटीग्रेशन एक्स की थ्री प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स के डी एक्स आ जाएगा आपके पास। थ्री में वन ऐड किए फोर, थ्री में वन ऐड किए फोर, तो आ जाएगा एक्स फोर बाय फोर टेन इनवर्स एक्स माइनस थ्री में वन ऐड किए वन बाय फोर आ गया, इंटीग्रेशन थ्री में वन ऐड किए एक्स फोर वन प्लस एक्स केयर डी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पे ऊपर एक्स फोर आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था नीचे छोटा बॉक्स हो, ऊपर बड़ा हो, ऊपर बड़ा हो, बड़ा हो तो ये गिर जाएंगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज़ नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने पहले प्रॉपर में चेंज करना होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स फोर को अंदर रखेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रख के डिवाइड करेंगे, हाँ यहीं पे कर लेते हैं, एक्स फोर को अंदर रखेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को
वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स की फोर आ गया। साइन चेंज करते हैं डिवाइड में, ये कट हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन आ गया, एक्स स्क्वायर को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। साइन चेंज करते हैं डिवीजन में, कट हो गया, प्लस वन आ गया। अब हम इसे किस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ये वाला वन ओवर ये वाला वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो नीचे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स फोर बाय फोर टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर, इस चीज़ को हम लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब अलग अलग वैल्यू पे इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर पे अलग अप्लाई करेंगे, वन पे अलग अप्लाई करेंगे, और यहाँ से इस चीज़ से मैं आपको बता देती हूँ हम कैसे करेंगे। यहाँ से ये चीज़ अब यहाँ पे है एक्स की फोर बाय फोर टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी, टू में प्लस वन किया थ्री, नीचे भी थ्री, माइनस वन की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स, और प्लस जब आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, मैंने अभी आपको बताई है टेन इनवर्स एक्स होती है टेबल में, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। यानी कि मैंने अलहदा अलहदा वैल्यूज़ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाला स्टेप छोड़ दिया है, आप अलग अलग वैल्यू पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें फिर इंटीग्रेशन ले लें। आगे आपके पास आ जाएगा एक्स की फोर बाय फोर टेन इनवर्स एक्स माइनस, मल्टीप्लाई करें वन को एक्स क्यूब से किया, एक्स क्यूब आ गया, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस, एक्स को वन से किया एक्स नीचे फोर, प्लस माइनस माइनस टेन इनवर्स एक्स को वन से किया टेन इनवर्स एक्स बाय फोर, ये जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप कॉमन निकालना चाहते हैं निकाल लें, अदरवाइज इस तरह भी आंसर आ जाएगा। इसमें से ट्वेल्व कॉमन भी निकल आएगा और वन बाय फोर भी कॉमन निकल आएगा, ठीक है। इन दोनों में से टेन इनवर्स कॉमन निकाल लें, यहाँ पे मैं आपको निकाल ही दूँ, इन दोनों में से टेन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल लें, अंदर आपके पास रह जाएगा वन बाय फोर भी बाहर कॉमन निकाल लें, इधर रह जाएगा एक्स की फोर, ये वाला फोर बाहर आ गया, टेन इनवर्स एक्स बाहर आ गया, ये वाला वन बाय फोर बाहर आ गया, ये टेन इनवर्स एक्स ये वाला बाहर आ गया, तो प्लस वन आ जाएगा अंदर, और माइनस एक्स की थ्री बाय ट्वेल्व प्लस एक्स फोर प्लस सी, यही आपके पास इसका आंसर है जो बुक के पीछे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 22, एक्स एन ई ए एक्स डी एक्स है और हमने इस चीज़ को एवेलुएट करना है। अब आपको पता है इसे हमने यू लेना है, इसे वी लेना है, यू की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ई ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन आ जाएगी नीचे ए माइनस इंटीग्रेशन, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो n स्टार्ट में x, n में से माइनस वन कर देंगे, इंटीग्रेशन लेनी है इस वैल्यू की, तो यह आ जाएगी ई ए एक्स ओवर ए डी एक्स। यानी कि मैंने अलहदा अलहदा नहीं लिखा है, u की वैल्यू एज इट इज़, v की इंटीग्रेशन ले लिया है माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u ले लिया है, और v की फिर मैंने इंटीग्रेशन ले लिया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स एन इंटू ए एक्स बाई ए माइनस, ये वाला एन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये वाला ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स एन माइनस वन इंटू ई ए एक्स। अब क्वेश्चन आपके पास गिवन है इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब ई ए एक्स, यानी कि इस एन की जगह थ्री है, तो हम पुट कर देंगे एन इक्वेलेंट टू थ्री, इसमें थ्री पुट कर देते हैं, तो एक्स की थ्री इंटू ई ए एक्स बाय ए माइनस थ्री बाय ए, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की थ्री माइनस
थ्री आ जाएगा, 3 माइनस 1, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 ई ए एक्स डी एक्स आपके पास आ जाएगा। अब ये एक्स की क्यूब इंटू ई ए एक्स बाई ए माइनस 3 बाई ए, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यू आ जाएगा, ये वी आ जाएगा, यू की वैल्यू एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ वी ई ए एक्स बाई ए माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई ए एक्स बाई ए डी एक्स। एक्स की क्यूब इंटू ई ए एक्स बाई ए माइनस, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया 3x² ई ए एक्स, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, 3 2 6, ये वाला ए बाहर आ जाएगा, इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई ए एक्स डी एक्स आ जाएगी। यानी कि आप पहले लिख लें, आप पहले 3 बाई ए को इसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 बाई ए बाहर कॉमन निकाल लें। मैंने ज़रा शॉर्ट कर दिया है, एक्स की 3 इंटू ई ए एक्स बाई ए माइनस 3x² ई ए एक्स बाई ए स्क्वेयर प्लस 6a² यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक्स वैसे ही ई ए एक्स बाई ए आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई ए एक्स बाई ए डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स की क्यूब इंटू ई ए एक्स बाई ए माइनस 3x² ई ए एक्स बाई ए स्क्वेयर प्लस 6a² को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x ई ए एक्स आ जाएगा, ए एक्स, ए स्क्वेयर को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब आ जाएगा, माइनस 6a² को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 1 बाई ए स्क्वेयर बाहर कॉमन ले ले पहले, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, ए स्क्वेयर को ए से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब, इंटीग्रेशन रह जाएगी ई ए एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई ए एक्स बाई ए प्लस सी। हम मल्टीप्लाई करें, अगर आपने इसमें से कुछ कॉमन निकालना है तो निकाल लें, यानी कि हमारे पास आ जाएगा इस सारे में से ई ए एक्स कॉमन निकल रहा है, तो ई ए एक्स कॉमन निकाल लें, अंदर रह जाएगा एक्स की क्यूब बाई ए माइनस, यहाँ पर रह जाएगा 3x² बाई ए स्क्वेयर प्लस, यहाँ पर रह जाएगा 6x बाई ए की क्यूब, और ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस 6 ए की 4 प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ई ए एक्स एलसीएम क्या आ जाएगा, ए की 4, ए की 4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की 4 को इससे भी, ए की 4 को इससे भी, ए की 4 को इससे भी, ए की 4 एलसीएम क्या आया, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो आपने एलसीएम लेना होता है, ये कैंसिल हो गया, माइनस 6 आ गया, ये 3 कैंसिल हो गए तो पीछे एक ए रह गया, 6ax आ गया, प्लस ये 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 2 रह गया तो 3a² x² आ गया, ये 3 आ गए तो ए क्यूब एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब ए की 4 को बाहर लिख लें, आ जाएगा 6ax/4 इंटू ए की क्यूब एक्स की क्यूब माइनस 3a² x² प्लस 6ax-6 प्लस सी, यही आपके पास इसका आंसर है, बेशक आप बुक से चेक कर लें, पीछे ये आंसर था इसलिए मैंने ये निकाल दिया है। नेक्स्ट है अब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx एंड कोज nx वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। आपके लिए गुड न्यूज़ है, इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर्स और बुक्स पीडीएफ की फॉर्म में बहुत जल्दी आपको एक ऐप की फॉर्म में मिल जाएंगे। अब वहाँ पे क्लास 5 से लेके मास्टर्स एमफिल एंड पीएचडी तक सारी पीडीएफ बुक्स डाउनलोड कर सकेंगे, उनके सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकेंगे और बैचलर एंड मास्टर्स लेवल तक लेक्चर्स डाउनलोड कर सकेंगे। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।